खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा, पिछले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में आंधी तूफान की गतिविधि हुई। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गंगानगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आगामी दिनों में अधिकांश स्थानों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे होगा। देखिए, पिछले 48 घंटों में राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दर्ज हुई है। मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो सर्वाधिक बारिश डीडवाना नागौर में 22 एमएम रिपोर्ट हुई है। तापमान की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान गंगानगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और बाकी सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे है। आगामी दिनों में भी अधिकांश स्थानों पर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे होगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खासकर बीकानेर और गंगानगर और फलौदी वाला जो एरिया है, यहाँ पर अगले 4-5 दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना रहेगा। यानी कि सर्दी इलाकों में कुछ इलाकों में हीट वेव की परिस्थिति अगले 4-5 दिन रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ पर अभी हीट वेव से राहत रहेगी। बारिश की यदि बात करें तो कुछ विशेष व्यापक स्तर पर आंधी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद, खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हल्के मेघ गर्जन और हल्के। बढ़ते राजस्थान की अगली खबर की ओर। भरतपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर आगरा हाईवे पर अचानक इंडियन गैस से भरे टैंकर के इंजन में आग लग गई, जिससे रोड पर चल रहे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही लखनपुर थाना की पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ से आवागमन को बंद कराया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और ना ही कोई जनहानि हुई। हालांकि गैस से भरा टैंकर था जो जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।